नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राहुल सर। आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। दोस्तों, मैं आज जनरल बिपिन रावत के ऊपर मैं वीडियो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आया हूं। तो चलिए, मैं इस प्रकार से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है जो मैं बताता हूं। पहला क्वेश्चन है कि भारत के पहले रक्षा प्रमुख चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी CDS कौन थे? जी हाँ, तो आप तो जानते ही हैं कि जनरल बिपिन रावत जो थे, है ना। ऑप्शन नंबर जो ए दिया हुआ है, ये जनरल बिपिन रावत है ना, ये हैं जो इनका होगा। चलिए, इनके बारे में बहुत बेहतरीन ढंग से हम जानते हैं कि जनरल बिपिन रावत कौन थे। तो जनरल बिपिन रावत देश के पहले रक्षा प्रमुख या चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ CDS थे। इनका जन्म 8 दिसंबर 2021 को तमिलनाडु के कुनर में हेलीकॉप्टर क्रैश होने की वजह से दुर्घटना में निधन हो गया है। हादसे का शिकार हुए हेलीकॉप्टर का नाम था, जो यहाँ पे 14 लोग बैठे थे, और अभी बता दूँ कि हादसे का शिकार हुए हेलीकॉप्टर का नाम था MI-17V5 हेलीकॉप्टर। इस हेलीकॉप्टर का निर्माण रूस में होता है, ठीक है। ये आप जानना, यह आप बहुत इंपॉर्टेंस है कि इस हेलीकॉप्टर का निर्माण कहाँ हुआ, तो रूस में। चलिए, इसके बारे में जानता हूँ कि जनरल बिपिन रावत देश के पहले CDS कब नियुक्त हुए थे। जी हाँ, ये 1 अप्रैल 2019 में, कि 1 जनवरी 2020 में, ऑप्शन सी है 1 जनवरी 2021 में, और ऑप्शन डी है 31 दिसंबर 2020 में। तो आपका ऑप्शन नंबर बी है, 1 जनवरी 2020 को ये CDS नियुक्त हुए थे, जनरल बिपिन रावत, जो आपको 31 दिसंबर 2019 में, है ना, इनका नियुक्त किया गया था। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का। नेक्स्ट मैं बता देता हूँ इनके बारे में, CDS बिपिन रावत के बारे में, कि भारत में 27वें थल सेना अध्यक्ष कौन थे। जी हाँ, भारत के 27वें थल सेना अध्यक्ष कौन थे? तो ऑप्शन ए है मनोज, तो यहाँ पर ऑप्शन डी है जनरल बिपिन रावत। चलिए, अब भारत के 27वें थल सेना अध्यक्ष जनरल बिपिन रावत, इनका कार्यकाल जो था 31 दिसंबर 2016 से 31 दिसंबर 2019 तक, सेवा वर्ष 16 दिसंबर 1978 8 दिसंबर 2021 तक इन्होंने किया। इन्होंने दिसंबर 1978 को भारतीय सैन्य अकादमी देहरादून से 11वें में गोरखा राइफल्स की 5वीं बटालियन में नियुक्त किया गया था, जहां उन्हें एस्वार्ड ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया था। जी हाँ दोस्तों, मैं बता दूं, ये राइफल जो है 5वीं नियुक्त किया गया था, जो इनको अवार्ड जो ऑफ जनरल ऑनर के सम्मानित किया गया था, है ना, जनरल बिपिन रावत को। जनरल बिपिन रावत का जन्म कब हुआ था, ये इम्पोर्टेंस है, बहुत इंपॉर्टेंस है कि जनरल बिपिन रावत का जन्म कब हुआ था। तो जनरल बिपिन रावत का जन्म 16 मार्च 1958 ईस्वी में हुआ था। जन्म इनका 16 मार्च 1958 में हुआ था। इनका जन्म उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल जिले में चौहान राजपूत परिवार में हुआ। निधन 8 दिसंबर 2021 को कुनर तमिलनाडु में। उम्र इनका 63 वर्ष था, है ना। और ये भी बता दूँ कि इनके पिता जो थे लेफ्टिनेंट जनरल लक्ष्मण सिंह रावत, है ना, इनके पिता जो थे लेफ्टिनेंट जनरल लक्ष्मण सिंह रावत, जो सेना से लेफ्टिनेंट में जनरल के पद से सेनावृत्त हुए। जी हाँ, पत्नी के बारे में बता दूँ तो मधुकाला रावत आर्मी वाइन्स फ्लेवर एसोसिएशन आवा की प्रेसिडेंट थी, और सैन्य कर्मियों के परिजनों के लिए काम किया करती थी, ठीक है। चलिए, इसके बारे में बताया, और नेक्स्ट चलते हैं, जनरल बीपी रावत को मिले सम्मान, है ना, इनको कौन कौन सा सम्मानित किया गया है। तो पहला बता दूँ कि परम विशिष्ट सेवा पदक से, है ना, दूसरा है उत्तम युद्ध सेवा पदक से, तीसरा है अति विशिष्ट सेवा पदक से, चौथा युद्ध सेवा पदक, पांचवा है सेना पदक, और छठा विशिष्ट सेना और एड की कैंप से, है ना, ये जो थे इनके, इनको सम्मानित किया गया था। चलिए, रक्षा प्रमुख या चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी CDS पद का गठन कब किया गया था। जी हाँ, CDS पर्सन का गठन कब किया गया था, तो इसका गठन जो हुआ था 24 दिसंबर 2019 से किया गया था। चलिए, गठन आपको बताया 24 दिसंबर 2019 को हुआ था। 24 दिसंबर 2019 को भारत की सुरक्षा मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति CCS के सृजन घोषणा की थी, तथा जनरल बिपिन रावत को 1 जनवरी, है ना, 2020 को भारत का प्रथम रक्षा प्रमुख यानी CDS बनाया गया, है ना, इनको CDS बनाया गया था कब, 1 जनवरी 2020 को, भारत का प्रथम रक्षा प्रमुख या चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। CDS के बारे में जानते हैं कि रक्षा प्रमुख चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ का पद क्या होता है, सेना तीनों प्रमुखों से ऊपर होता है। CDS के मुख्य कार्य इस प्रकार हैं। पहला कार्य है, CDS
जो है CDS का कार्य जो है इस प्रकार से निम्न प्रकार से दिया गया है। जो पहला है कि CDS का कार्य होगा कि वह सेना के तीनों अंगों को बीच दीर्घकालीन नियोजन, रक्षा खरीद, परीक्षण का अन्य संसाधनों के संदर्भ में समन्वय स्थापित करे, है ना। दूसरा काम होता है कि CDS प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री के लिए महत्वपूर्ण रक्षा और रणनीति मुद्दों पर सरकार के सलाहकार के रूप में कार्य करेगा। तीसरा आपका होता है कि CDS तीनों सेनाओं के मामलों पर रक्षा मंत्री के प्रधान सैन्य सलाहकार के रूप में कार्य करेगा। और चौथा होता है कि CDS परमाणु मुद्दों प्रधानमंत्री सलाहकार के रूप में भी काम करेगा। पांचवा होता है कि सैन्य मामलों के विभाग के प्रमुख के रूप में भी कार्य करेंगे। चलिए नेक्स्ट बताता हूँ कि इसके बारे में भारत के रक्षा प्रमुख CDS की नियुक्ति कौन करता है। तो इसका नियुक्ति कौन करता है CDS का, तो इसका नियुक्ति क्या प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, मुख्य न्यायाधीश, जी हाँ राष्ट्रपति करते हैं। इनका नाम करता मंत्रिमंडल की नियुक्ति की समिति करती है। नियुक्तिकर्ता भारत के राष्ट्रपति करते हैं, है ना, भारत के राष्ट्रपति इसका नियुक्त करते हैं। और नेक्स्ट है आप लोग को बता दूं कि भारत के रक्षा प्रमुख CDS का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, 1 वर्ष का, 2 वर्ष का, 3 वर्ष का या 5 वर्ष का। जी हाँ, तो ये कार्यकाल मैं बता दूं तो इनका कार्यकाल 3 वर्ष का होता है। कार्यकाल 3 वर्ष यानी 65 वर्ष की आयु तक इनमें से जो भी पहले हो, है ना, इनसे जो भी पहले हो 65 वर्ष की उम्र से पहले, है ना। चलिए नेक्स्ट मैं आप लोग को बता दूं कि यही था आप लोग का बिपिन रावत के बारे में। चलिए आप लोग को वीडियो कैसी लगी मेरे कमेंट सेक्शन में बताइएगा जरूर। तब तक के लिए नमस्कार।